प्रधानमंत्री 10 लाख सूट पहन करके गरीब के बेटा आपको लग सकते हैं, 2 लाख के जुर्राब जूते पहन के आपको गरीब लग सकते हैं। अब एक बात बताइए, जब कैटवॉक कर रही थी स्मृति ईरानी बिकनी में, क्या किया था इन्होंने? आप होंगे नकली, आप होते कौन है नकली कहने वाले मुझे भाई, आप होते कौन है? आपको आदत हो गई है ब्राह्मण और दलित करने की। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप किस विचारधारा से आते हैं शंभू जी। आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं। आप मुद्दे भटकाते अपनी वीडियो चलाने के लिए। आप ये बताइए, आपने एक भी मुद्दा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे किया? आप ब्राह्मण दलित करने में लगे हुए। शुक्र है पहले पत्रकार आप हो जिसने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी, और एक दो भाई थे बस, गजेंद्र भाई ने नहीं दी। थैंक यू। और आज ही जो है पठान मूवी रिलीज भी हुई, इसका ट्रेलर रिलीज भी हुआ है। अच्छा, तो पहले ही हो गया, तो बवाल इतना वैसे ही कट रहा बिना ट्रेलर आया ना, वो तो बेशरम रंग गाना आया था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, आज ट्रेलर भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। पत्रकार में कुछ बोलने, मैं तो चुप खड़ी हूँ। दिल्ली में बहुत बड़ा नाम है पठान, तो है नहीं है देश में, फिल्म आ गई है। अच्छा, अरे हमारी वाइफ पठान है। लो, आप कैसे कह रहे हैं? ये देखो, वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ पठान है। जातियों के नाम पे फिल्में चलेंगी। देखिए, अब ये बात है ना, हमने कब कहा, आप अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप सेंसर बोर्ड सरकारी होता है भाई, मेरे दादा का नहीं है सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड सरकार का है, तो आप क्यों सेंसर बोर्ड में ऐसी चीजें पास करते हैं? सरकार के ही लोग बैठे होते हैं ना सेंसर बोर्ड में, क्यों करते हो? जब तुम्हें पता है इस चीज पे बवाल होने वाला है, इसने बनाया था सेंसर बोर्ड, तो क्या गलत किया? गलत किया? अब कौन चला रहा है? अब कौन चला रहा है मौजूदा में? सरकार का सेंसर बोर्ड है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए देश में, वो तो सेंसर बोर्ड तो सरकार का है। और बायकॉट भी ब्राह्मण कर रहे हैं, मजे की बात तो देखो देश में। अरे उससे भी ज्यादा यार, एक एक सवाल करूं। अंसारी को देश में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी अंसारी, उसको पठान में गुंडा दिखाया गया है, गैंगस्टर आतंकवादी। अब एक बात बताओ, अंसारी मुसलमानों को सुनिए, पहले भी बहुत सारे ऐसे किरदार हुए हैं, अर्जुन पंडित जैसे किरदार हुए, उनको भी जो है गुंडा दिखाया गया था, बहुत सारे। फिल्में सिर्फ किस लिए होती है? आज फिल्में जो है राजनीति, अपना रोटियां सेकने के लिए लोग उनको बायकॉट करते, सपोर्ट करते, ठीक। अब पहले फिल्में किस लिए होते थे? सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, ये फिल्मों का ये महत्व होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि आप किसी का वो करो पहले। अब आप मुझे कह रहे हैं कि अंसारी एक वो है, उनको गैंगस्टर दिखाया है। अरे आप ये देखें, अर्जुन दीक्षित फिल्मों में पठान को भी तो गैंगस्टर दिखाया जा सकता है भाई, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों क्यों अंसारी क्यों बने फिर? आप मना कर देते, जाति विशेष के लोगों को गुंडा दिखाया जाता है। आप क्यों? अरे भाई, अब से पहले भी फिल्में बनी है, उसमें ब्राह्मणों को भी दिखाया गया है, लड़ाक झड़ाक। क्यों अर्जुन दीक्षित मूवी नहीं देखी आपने? मैं तो आज भी उसको 10 बार देख लेती हूँ, तो मैं बोरी नहीं होती हूँ। हीरो हाँ, तो हीरो को भी तो दिखाया ना, पूरे हीरो को ही दिखाया भाई, हीरो को दिखाया ना। तो आप ये फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं शंभू जी? देश को जाति और धर्म में, कांग्रेस का मतलब प्रधानमंत्री बीजेपी के, सारी सरकार बीजेपी की है, और आप एक पत्रकार शंभू जी होकर के इतने अच्छे समझदार ऐसी बातें कहेंगे? कांग्रेस ने बांट दिया, अब देश को जोड़ने की बात। आप ये बताइए, जात बात धर्मवाद की बातें कौन करता है? क्या कांग्रेस करती? तो कांग्रेस सबको साथ लेके चल रही है? सारे पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आजकल आपकी है ना भावनाएं बड़ी भड़क कर निकल रही हैं, कुछ पत्रकार की वजह से सारे पत्रकारों को बदनाम किया जा रहा है, कुछ पत्रकारों की वजह। होता ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं। अब मैं आपको जितने समय से जानती हूँ, जितने लोग खड़े हैं, जितने समय से मैं इन लोगों को जानती हूँ, ये क्या है, इन्होंने किसान आंदोलन को क्या बताया कि किसान आंदोलन में ये हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये समस्याएं हो रही है, ये आंदोलन में हो रहा है। लेकिन जो काजू खा रहे हैं, अखरोट तो खा नहीं सकते, जनता भूखे मर रही है, पैसा कहां से आ रहा है? सुनिए, राहुल गांधी जी के पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री जी थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री जी थे कि नहीं? राहुल गांधी खुद सांसद है मौजूदा, तो काजू बर्फी नहीं खा सकते? आप बताइए, ये सोचने वाली मानसिकता देखिए ना आप, कितनी खतरनाक हो गई। तो प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा है, प्रधानमंत्री 10 लाख सूट पहन करके गरीब के बेटा आपको लग सकते हैं, 2 लाख के जुर्राब जूते पहन के आपको गरीब लग सकते हैं। मेरे नेता मौजूदा सांसद है, इतने अच्छे परिवार से आते हैं, मोतीलाल नेहरू जी के जमाने में विदेश से उनके कपड़े आते थे, इतने अच्छे परिवार से वो है, तो क्या मेरे नेता काजू बर्फी नहीं खा सकते? कल को तुम्हारे घर आऊंगी शंभू जी, तुम भी 4 बिस्कुट तो तुम भी खिलाओगे नहीं खिलाओगे? राहुल गांधी को ठंडा क्यों नहीं लगता है? ये आप जैसे जो हमारे यूट्यूबर पत्रकार हैं, उन्होंने मीटिंग ली, आपने देखा भी, उनकी ताकत, गरीबों की ताकत, मजदूरों की ताकत, ठीक, इन सब की ताकत, युवाओं की ताकत, बेटियों की ताकत, उसकी ताकत परमात्मा की शक्ति, राहुल जी छुपा और इतना समर्थन, दाढ़ी में थर्मामीटर लगाए हुए, वो लगाए हुए हैं टेम्परेचर बढ़ाने। अच्छा, जैसे मोदी जी ने लगाया था कान में थर्मामीटर, कहा हो
कुछ लगाया कान में, टेलीपेरिमीटर लगाया था ऐसे। अब जितनी भी इंटेलिजेंस है सरकार में, अब उनको कोई काम नहीं देंगे क्या? यही काम देंगे कि दाढ़ी में क्या छुपाया? दाढ़ी रखने वाले देश में कितने लोग हैं आपको पता है? आपको अंदाजा तक नहीं है। और बायकॉट करने वाली बात आती है ना, ये जंगले हिला देते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसी श्रेणी के लोग लड़ाक। ठीक, जब दाढ़ी रखने वाले देश में मुस्लिम समुदाय दाढ़ी रखते, सिख समुदाय दाढ़ी रखते, ब्राह्मण जो है वो दाढ़ी रखते जो पूजा पाठ करते, करते कि नहीं? क्यों नहीं बताती हूँ। लेकिन आप दाढ़ी दाढ़ी क्यों करे जा रहे? मेरे नेता का मन रखी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रहा है, मैंने बताया ना जनता की ताकत है, ले रहे हैं स्कॉच फोटो शेयर कर रहा है। अरे दुनिया तो वो भी फोटो शेयर कर रही है, प्रियंका गांधी जी उनकी बहन है सगी, सबको पता है, पूरे देश वर्ल्ड को पता है, वो अपनी बहन को एक पिता की एक भाई की तरह प्रेम कर रहे हैं और लोग तो उस भी गंध को फैला रहे हैं। अब तुम क्या कर लोगे? राहुल गांधी क्या कर लोगे? आपने क्या कहा राहुल जी को? मैंने ये बोला कि हमारे बहुत सारे जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है, कि कार्यकर्ता जमीन वाला मेहनत कर रहा है, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और दीदी ने मुझे राहुल तो कह रहे कि हम राहुल अब हैं ही नहीं, राहुल अब महादेव हो गया है, राहुल महादेव हो गया, तो असली महादेव कौन है? देखिए अकेले राहुल जी सुनिए, सुनिए मतलब अब एक बात बताइए, मोदी जी कहते हैं तो आप उनकी चीजें तो चलाते हो। मोदी जी एक वो प्रधानमंत्री है देश के जो भगवान राम को घर देते हैं, ये लोग चला रहे थे ना, मोदी जी ने घर दिया घर दिया है। अब हमारे नेता ने बोला कि मैं राहुल नहीं हूँ, उन्होंने ये आपका इनका तर्क नहीं आप समझते हो, आप कोट करके करने कर लगे हो, कैसे मुझे नेता यूपी में तो जाती है, तो मेरी नेता, मेरी नेता प्रभारी है यूपी की, मेरी नेता प्रभारी है, क्यों नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? दिल्ली में एक बच्ची को मार दिया गया, कोई जा ही नहीं। आप देखिए पूरे हमारे जितनी भी पार्टी है, पार्टी का कोई भी ट्विटर हैंडल देख लीजिए, किसी भी नेता का आप देख लीजिए, अगर सब ने उस सुनिए तो सुन लीजिए, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है, मेरी नेता यूपी की प्रभारी है प्रियंका जी, ठीक, तो एक प्रभार उनको दिया हुआ है। दूसरी बात, सोनिया जी की इतनी स्वास्थ्य खराब है आप उम्मीद नहीं कर सकते कितना है, सब चीजें बताई जाती है। अच्छा राहुल गांधी जी डरे हुए जब निकले हैं वो इतनी बड़ी यात्रा लेकर के जनता के लिए, जब बेरोजगारों के लिए आवाज उठाते हैं वो, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि माफीनामे लिखते थे इनके लोग, वो डरे हुए हैं, वो डरे हुए हैं। आप ये बता दीजिए विपक्ष में सिवाय कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी जी के और हमारी कांग्रेस पार्टी के सिवाय कौन आपकी आवाज उठा रहा है? कौन उठा रहा है भाई? अपने शरीर के लिए अच्छी बात है, योगा करना चाहिए, बाबा जी कहते हैं योग करो, योग करो, हम और तुम योग करने लग गए, बाबा जी वो तो बिजनेस करने लग गए। प्रधानमंत्री ऐसी पैदल सड़क पर घूमे, कौन प्रधानमंत्री? तुम्हारे सड़क पर पैदल घूमने वाला व्यक्ति, तुम्हारे तकलीफ को समझने वाला व्यक्ति ही तुम्हारे नेता बनने के लिए होना चाहिए, ये बात तुम्हें समझनी होगी। जिस व्यक्ति ने 8 साल से, तुम सारे पत्रकार खड़े हो, तमनु बताओ 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रधानमंत्री जी ने? करी नहीं ना। जो व्यक्ति 8 साल में 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, वो तुम्हारे मुद्दे क्या समझेगा भाई? वो भी सवाल नहीं लेते हैं, वो कौन नहीं लेते हैं? को कहते हैं कि कौन मोदी से सवाल पूछो। नहीं नहीं अच्छी देखिए सुनिए, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए तो भाई प्रधानमंत्री है, सरकार है उनकी, और किस? अब एक बात बताओ, यूपी में मुख्यमंत्री योगी जी है कि नहीं? अब बताओ, कुछ किसानों की समस्या होने लगी, मुद्दा होने लगा, तो मैं प्रियंका गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कहूं जी यू समस्या है या देख लो भाई, देखेगा कौन, उसका निवारण कौन करेगा? जो सत्ता में सरकार है, मैं बहुत सुनिए, योगी जी बुलडोजर चलाए तो खराब, गहलोत बुलडोजर चलाए तो बढ़िया, ये अच्छा, कैसे चलेगा? ये किस? सुनिए सुनिए, गलत चीज को गलत ही कहा जाता है, ठीक। जब कोर्ट के आदेश आए थे गहलोत जी ने तब चलाया बुलडोजर, और योगी जी ने तब चलाया बुलडोजर जब कोई आदेश नहीं आया था। सुनिए कल घर पर बुलडोजर, मैंने बताया ना, देखिए कोर्ट के आदेश पर, अगर कोर्ट ने आदेश किया है, संविधान नाम की चीज देश में है ना, तो संविधान के हिसाब से बुलडोजर, अगर संविधान कहता है, कोर्ट ने कहा कि ठीक है इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको ध्वस्त करो, है ना, तो चलता बुलडोजर। अगर आप किसी गलत के लिए चला रहे तो गलत नहीं है। राजस्थान में कहां कोर्ट ने कहा? जो ये दरवाजे वाला वो हुआ था, दरवाजे को तोड़ करके दूसरा बनाया, कोर्ट के आदेश थे। नहीं नहीं, वो कोर्ट के ही आदेश था। अगर पेपर लीक में अगर किसी विरोध गलत आदमी कह रहा है तो क्या गलत है? मैडम सुनिए ना, मोदी जी मान लो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मान लीजिए अच्छा अच्छा, अरे सुनिए तो, पिता बाप की नहीं मानना बेमतलब, मान लो सच्ची बात ही तो मानो। कांग्रेस भी चाहती है कि वो मोदी जी की तरह सरकार, नहीं सारे यूट्यूबर पत्रकारों को बिठा करके मेरे नेता राहुल गांधी जी ने संबोधित किया है, यूट्यूबर पत्रकारों को बिठा करके। और सुनिए देश के मीडिया, सुनिए सुनिए, आपसे कहा, आपसे कहा, अगर आपसे कहते तो आप सबसे पहले जाते।
अगर आपसे कहते हैं आपको ये इन्विटेशन आता है आप सबसे पहले जाते हैं। मुझे आया था, नहीं मैंने नहीं, नहीं आपको आया था, इंटरव्यू दीजिएगा तो जाऊंगा मैं। अच्छा, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस। आपको इन्विटेशन आया था? बिल्कुल। किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? अभी मैं आपको दिखाता हूं। दिखा देना, मैसेज आया। ऑफ कैमरा दिखाएंगे? ऑन ही दिखा दीजिए, ऑन ही दिखा दीजिए। किसने किया? ये कहा आपको कि आप हमारे फेवर में कीजिए? ये कहा जनता के मुद्दे उठाइए, कांग्रेस की बातें आगे रखिए। नहीं, जनता की बातें आगे रखिए, अपने मन पसंद जनता की, जनता की बातें रखिए। ये बोला है, पसंद पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। किसने कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सबको नहीं बोला। यही तो बोला कि जनता की आवाज उठाइए। बता दो, अरे सबने ये बोला था, जनता की आवाज के लिए बोला ना। देखिए पत्रकार बता रही, जनता की आवाज के लिए बोला। अरे जनता की आवाज के लिए बोला शंभू जी, जनता की आवाज के लिए बोला। पत्रकार बहन आप बताइए, जनता की आवाज के लिए बोला ना? और किसकी उठाओगे भाई, और किसकी आवाज आप उठाएंगे? जनता की आवाज के लिए मेरे नेता ने अगर आपसे अपील की तो क्या गलत किया? अच्छा, बाबा आप मिलने गई थी पुजारी से, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बागेश्वर, क्या दिक्कत है? बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि बीबी को छोड़ के सब कुछ हमको दान कर दो, आप सहमत हैं ऐसे बाबा से? देखिए मेरे सनातन धर्म का वो प्रचार करते, मैं उनकी किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करूंगी। तो पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए शंभू जी, मेरी बात सुनिए। मैं उनका अगर ये बयान है, मैंने नहीं देखा, अगर है तो मैं उनके इस बयान का समर्थन नहीं करूंगी। दूसरी बात, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने धर्म के लोगों गुरुओं से मिलने के लिए बागेश्वर भी जाऊंगी, मथुरा वृंदावन भी जाऊंगी, ठीक। और सुनिए, तिरुपति बालाजी भी जाऊंगी, मैं हर जगह जाऊंगी। और आपको यह अधिकार नहीं दिया मैंने, सुनिए, आपको अधिकार नहीं दिया शंभू जी कि आप, अगर मेरा मन है कहीं मंदिर में जाने का तो आप मुझ पे टिप्पणी करें, ये मैंने आपको अधिकार नहीं दिया। दलित महिला को मंदिर से बाहर निकाल दिया घसीट कर कर्नाटक में। देखिए, क्या दलित सनातन नहीं होते? दलित कोई अलग धर्म है क्या? अलग धर्म है क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप सनातन की पैरोकार है ना, तो मंदिर से निकाला गया। क्या देखिए, मुझे गर्व है और मैं तो कभी किसी का, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म से हूँ। आपको होगा, देखिए अगर सनातनी लोगों ने ऐसा किया है तो मैं गलत बात को हमेशा गलत ही बोलूंगी। सनातनी ने महिला पर पेशाब कर दिया फ्लाइट में, शंकर मिश्रा, गलत है, बिल्कुल विरोध करते हैं। सुनिए, बिल्कुल विरोध करते हैं, एक महिला के ऊपर पेशाब करना कितनी बुरी बात है, किसी आदमी के ऊपर भी। वो मिश्रा न होकर अमजद होता तो क्या होता मुसलमान के साथ? जो भी कानूनी कार्रवाई होती है। अच्छा, आप पहले बोल लो, मैं पहले सारे सवाल ले लूं आपके, मैं बीच में बोलूंगी ना फिर। अरे मैडम, मिश्रा न होता, अमजद होता, तो ये सनातनी जो सरकार चल रही है केंद्र में मोदी जी वाली, वो क्या करती मुसलमानों के साथ? जिस समय आप जो सनातनी और अमजद बता रहे हैं ना, मुझे बिल्किस बानो के मुल्जिमों को रिहा करा था ना, तो मैंने इस बात का विरोध किया था। सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, देखिए वो मोदी जी ने लिखत में लिया है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। सुनिए, मैं संविधान को मानती हूँ लेकिन अपने धर्म को भी मानती हूँ। आपको मैंने ये अधिकार नहीं दिया कि आप मुझे मेरा धर्म मानने से मना करें। मैं ये बोलूंगी उस व्यक्ति ने गलत किया, गलत का गलत, सही जिसने किया सही, चाहे वो सनातनी हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, गलत गलत। पूनम जी, अगर कोई मुसलमान होता, मेरा सनातन धर्म किसी मूवी का मोहताज नहीं है। आप उन लोगों से क्यों नहीं पूछते, क्यों कर रहे हैं? मैंने अपनी टिप्पणी इस पे दी, मैंने अपना विचार आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दिया। जो करते हैं विरोध, आप उनका इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? असली सनातनी मोदी जी और आरएसएस है। अच्छा, आप सर्टिफिकेट लाए हैं? सर्टिफिकेट लाई दिखाइए, मोदी जी का सर्टिफिकेट लेके आए शंभू जी, दिखाइए जरा, असली का नकली का आप सर्टिफिकेट लेके आए क्या? अगर लेके आए दिखाइए। आरएसएस पर आपकी क्या राय है? मेरी आरएसएस पे ये राय है कि जो भी व्यक्ति कट्टरता को बढ़ावा देता हो, मतलब आरएसएस कट्टरपंथी है। सुन जाइए, मैं पूरा बोल लूं, आप ही बोल लीजिए, फिर सवाल भी अपना आप कर लीजिए, जवाब भी ले लीजिए। कोई भी व्यक्ति देश में संविधान को नहीं मानता या देश में कट्टरता करता है, लड़ाई झगड़े करता, हमारे यहाँ प्रावधान बना हुआ, संविधान सबका तोड़ है। दूसरी बात, अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है, मुझे किसी के धर्म से कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखती हूँ। आपके धर्म में जो गड़बड़ियां होंगी उस पर नहीं बोलूंगी मैं तो गलत बात को गलत ही बोलती हूँ। अरे वो व्यक्ति जो थे पति नंद, कौन से व्यक्ति थे? गलत बोला मैंने तो नहीं बोला सही है, मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो प्रज्ञा ठाकुर को भी गलत बोला,
कि उसने बयान गलत दिया। मैंने वो पतिनंद कौन से है डांसने वाले, अरे आप जब पूनम पंडित है कि प्रज्ञा ठाकुर है, किसकी बात मान। अब आप सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं कि पूनम पंडित के नाम का और प्रज्ञा के नाम का आप सर्टिफिकेट लेके आए। आप बताइए क्या सरकार ने, क्या आपने, आप ये बताइए सरकार ने, अब ये बताइए जिसकी आप बात बता रहे हैं कितने मुकदमे हैं उस पे, कितने आप सनातनी नहीं है क्या शंभू जी, आप सनातनी नहीं क्या है, आप क्या है, बुद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म और धम है, धम है, चलिए बौद्ध धम से है, धर्म धम कुछ तो है ना। बुद्ध ने कहा है धरती पर कोई भगवान नहीं होता है, 2500 साल पहले कह के गए। अच्छा 2500 साल पहले कि कोई भगवान नहीं होता है बुद्ध ने कहा है। और जो वो मैं देखती हूँ जो हमारे बुद्ध समाज के लोग हैं, मैं तो उनको देखती हूँ शिवलिंग को नहलाते हैं। थे बुद्ध थे, रविदास थे, कबीर थे, वैसे एक महापुरुष थे। हाँ वो हमारे वो मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है बुद्ध क्या थे, मैंने पढ़ा है तीसरी क्लास में। मार्गदर्शन करें कि हम सनातनी प्रज्ञा ठाकुर की बात माने, देश सनातन, आप पूनम पंडित की आप देश में उस व्यक्ति की बात मानिए जो जनता के हित की बात करता हो, जनता की आवाज उठाता हो, अपनी कुर्सी का लालच नहीं करता हो। की बात माने कि सनातनी मोदी जी की बात माने। भाई राहुल गांधी जी ने ये कहा कि आप उन्हें मत मानिए या उन्हें मत मानिए, कहा क्या नहीं ना, मोदी जी एक तरफ गलत चीजें करते हैं बैठ करके और राहुल जी गलत चीज को खत्म करने की बात करते, क्या गलत है, क्या गलत है, आप है उसमें, आप है क्या, तभी मुझे बता रहे हैं इतना, आप है राष्ट्रवादी कौन है, जो कौन है, अच्छा आरएसएस नहीं है, राष्ट्रवादी वो है जो देश हित के लिए आवाज उठाए, जनता के हित के लिए आवाज उठाए। ये संगठन रजिस्टर्ड कराने से राष्ट्रवादी नहीं हो जाएंगे वो, जो फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो भी राष्ट्रवाद बता रहे हैं अपना। अब एक बात बताइए, जब कैटवॉक कर रही थी स्मृति ईरानी बिकनी में, क्या किया था इन्होंने, जब खटिया सटा रहे थे रवि किशन बिकनी कपड़े भगवा रंग के पहना के हीरोइन को, क्या तब किया था विरोध, छम्मा छम्मा कर रहे मनोज तिवारी, किया था क्या विरोध, नहीं ना, तो ना हमने उनका विरोध किया, ये उनके अपना पर्सनल मामला भाई, आर्टिकल 19 में अधिकार दिए। आप होंगे नकली, आप होते कौन है नकली कहने वाले मुझे भाई, आप होते कौन है शंभू जी, आप होते कौन है मुझे नकली कहने वाले, गलत बोल, आप देखिए गलत बात है, आप होते कौन है नकली ब्राह्मण कहने वाले मुझे, आप कैसे कौन होते हैं, कौन है आप मुझे कहने वाले, ये अधिकार नहीं दिया मैंने आपको कि आप मुझे नकली बोले, आप होते कौन है ब्राह्मण को नकली कहने वाले मुझे, सुनिए नकली नहीं बोला मैंने, मैंने नकली नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि भगवा रंग के कपड़ों में वो भी खटिया सटा चुके हैं, मैंने तो उनका भी नहीं विरोध किया, तो मैं दीपिका पादुकोण का क्यों विरोध करूं, विरोध नहीं करती है, मैंने जब उनकी पिक्चर आई मैंने इस बात का विरोध नहीं किया कि उन्होंने हीरोइन को कपड़े पहना के खटिया सटाई थी, समझ आया आपको, झूठ है, सुन लीजिए, आपको आदत हो गई है ब्राह्मण और दलित करने की। मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, मुझे अच्छे से बताया कि आप किस विचारधारा से आते हैं शंभू जी, आप ईमानदारी से बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनकी धर्म पत्नी कौन थी, ब्राह्मण समाज से थी ना, ठीक है नहीं थी, हाँ थी। अब आप ये बताइए फिर आप विरोध किसका करते हैं, हम अपनी ही बेटी का, अपनी ही बेटी के पीहर वालों का, आप बाबा साहब के ससुरालियों का ही विरोध करते हैं, आप बाबा साहब के ससुरालियों का ही विरोध करते हैं भाई, की बात है, हैरान हूँ मैं आपसे, एक ब्राह्मण, अरे हमारे यहाँ पे तो ससुरालियों को पूजनीय माने जाते हैं भाई, एक ब्राह्मण कहता है हमारे यहाँ तो पूजनीय मानते हैं, आप ये बताइए विरोध किसका कर रहे हो, बाबा साहब के ससुराल वालों, अरे इज्जत से बात कीजिए शंभू जी, हम बाबा साहब के रिश्तेदार हैं, इज्जत से बात कीजिए, हाँ इज्जत से बात कीजिए, और आज ध्यान रखिएगा आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब का भी अपमान कर रहे हैं, ये कह करके कि पूनम पंडित ब्राह्मण असली है के नकली है, आप अगर ब्राह्मण नकली है तो बाबा साहब ने क्यों शादी किया, क्यों शादी किया, क्यों क्यों, आप किसका विरोध कर रहे हैं, अब ये देखने आ रहे हैं, हम भी रिश्तेदार हैं बाबा साहब के भाई, हैं हद कर तो कमाल करते हो शंभू जी, ब्राह्मण समाज जो है इस देश को दिशा देता है, एक आखिरी सवाल ले लीजिए, ब्राह्मण समाज इस देश को दिशा देता है, आप फिर क्यों विरोध करते हो, सुनिए तो भाई क्यों करते हो विरोध, पंडित भी ब्राह्मण है, रवि किशन और मनोज तिवारी भी ब्राह्मण है, तो हम किसकी बात, अब सुनिए, पूनम पंडित के पास कोई कुर्सी नहीं है जो उसको खिसकने का डर होगा, इसलिए मैंने बेबाक बोला और जो मेरे अपने विचार थे मैंने बोला, मैं बोलूंगी, मुझे कुर्सी का मोह नहीं, उनको कुर्सी का मोह है, मैंने तो दिया असली नकली का सर्टिफिकेट, लोगे क्या आप सर्टिफिकेट ले रहे हो क्या, आप दीजिए मुझे अपने बोध होने का सर्टिफिकेट असली नकली का, दीजिए दीजिए ना, आप दलित होने का अपना असली नकली का सर्टिफिकेट दीजिए ना, आप दे सकते हैं क्या, अरे ब्राह्मण हमेशा से देश के लिए क्या नहीं किया ब्राह्मणों ने, पंडित की बात नहीं, आप किसकी बात मानो, आपकी
आपकी खुद की सोचने समझने की शक्ति खत्म है क्या? खत्म है क्या आपकी? सब ब्राह्मण खत्म है क्या आपकी सोचने सकने की समझने की? पार्टी का ब्राह्मण देखिए, देश में हमेशा से सभी लोगों का योगदान आजादी में भी रहा है, देश को आगे बढ़ाने में भी रहा, लेकिन चंद लोग कुर्सी के लालच में आपका है, आपका ज्यादा है, आप चार आप सबसे ज्यादा करते हैं। अगर जाति व्रत वो नहीं करते तो आप बार बार दलित दलित करते हैं। आपने साक्षी को इंटरव्यू किया, आप जब दलित दलित कर रहे हैं 10 मिनट पहले ये दलित दलित कर रहे हैं, तो फिर क्यों क्यों दलितों में आप शादी करते हो भैया? क्या आप इस दूरी को आप इस दूरी को खत्म नहीं करना चाहते क्या? आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप क्यों नहीं जवाब खत्म करना चाहते? व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, जो ब्राह्मण तय करेगा वही देश सुनेगा। अच्छा मैं हूँ ब्राह्मण, ठीक, मैं कह रही हूँ कि देश में इतनी चीजें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इतनी बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए, बेटियों के बलात्कार खत्म हो जाए, शिक्षा को बढ़ावा मिले, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ावा मिले, ये सब चीजें हो जाए। मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बोलने से तुरंत होता हो तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे बोलने से तुरंत हो। दूसरी बात, आप मुद्दे भटकाते अपनी वीडियो चलाने के लिए। सुनिए, आप अपनी सिर्फ वीडियो के व्यूज मत देखिए, आपको ये नहीं दिखता एक बेटी को एक बहन को मंच पर बैठकर राहुल गांधी जी इतनी अच्छी भावना से प्रेम करते, अपनी बहन से पवित्र क्या रिश्ता है? और आज हमारा यूथ उन्हें वीडियो फोटो को वायरल कर रहा है और आप ये नहीं दिख रहा है? वो आपको नहीं दिख रहा है क्या? वो नहीं दिख रहा कि यूथ किस तरफ जा रहा है? आपको नहीं दिख रहा बहन भाई के प्यार में जहर घोला जा रहा है? और वो आपको नहीं दिख रहा? आप व्यूज लेने के लिए सिर्फ आप क्यों नहीं समझ रहे सब मुझे? आप एक अच्छे पत्रकार हैं। बीजेपी वाला ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहा है राहुल गांधी? देखिए, उनको डर है उनकी कुर्सी छीनने का, मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए मैंने सारी बातें बेबाकी से बोली। कौन से ब्राह्मण की बात माने? मनोज तिवारी या पूरम पंडित? जिनको अपनी कुर्सी का भय ना हो, जो जनता के बीच में जनता की आवाज उठाते हो, जो न डरते हो मुकदमों से, जो न डरते हो किसी की दलीलों से, उनकी बात को आप सपोर्ट इसलिए कीजिए क्योंकि वो जनता को किसकी बात माननी है? हम उसी की, हम लोग देश को जनता है। अच्छा अच्छा, आप नहीं किसी धर्म से? बिना धर्म के आ गए? धर्म ब्राह्मण समाज सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, देश में एक जनता में जो मुद्दे होने चाहिए, आपने एक भी सवाल मुद्दे का किया शंभू जी? बेरोजगारी इतनी आपने किया? अरे एक ब्राह्मण बेटी को, अरे एक ब्राह्मण ब्राह्मण गया वो, ये बताइए क्या आपने? किशन जी कह रहे बेरोजगारी नहीं है, आप ये बताइए क्या आपने एक भी मुद्दा एक भी सवाल? देखिए मेरा कैमरामैन भी खड़ा हुआ है, आप ये बताइए आपने एक भी मुद्दा बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य सुविधाओं पे किया? आप ब्राह्मण दलित करने में लगे हुए, आपका बस यही काम है? मैंने आपका साक्षी जी का भी देखा था, क्या आप यही करेंगे? क्या देश में मुद्दे नहीं उठाएंगे आप? क्या शंभू जी नेशनल दस्तक के जो है, क्या वो जनता के मुद्दे उठाएंगे या जनता को और खुद भी ब्राह्मण दलित की बातों में उलझे रहेंगे? सिर्फ ये जवाब दीजिए, आप जनता के मुद्दे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कि नहीं ब्राह्मण है, हाँ, देश में पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई करके बने, पढ़े लिख के आए ना, पढ़े लिख करके आए हैं, पढ़ लिख करके दलित, पढ़ लिख करके जज बना जाता है, पढ़ लिख करके बना जाता है। तो आपको इस बात की तकलीफ है कि वो 79% जज है? आप ये बताइए आपको तकलीफ है? सुप्रीम कोर्ट में जज की परीक्षा नहीं होती है, आपको तकलीफ है क्या फिर इस बात की? है बिल्कुल। तो आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बने जज? ब्राह्मण समाज क्यों नहीं बने? चंद्रचूड़ ब्राह्मण जज है, वो कह रहे हैं कि नहीं कोलेजियम सिस्टम से ही जज बनेगा। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ मैडम कि तीन ब्राह्मण हैं। हाँ मैंने बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जज ब्राह्मण है, ईडी के हेड ब्राह्मण है। अच्छा तो मैंने बनाया क्या? तो मैं किस ब्राह्मण? आपको तकलीफ है? अगर वो है ही तो आप क्यों नहीं बने? आप में ऐसी खूबियां क्यों नहीं थी कि आप भी वहाँ बैठ के बैठते उस कुर्सी बनने दे रहे? क्यों नहीं बने दे रहे? क्यों क्यों टेस्ट नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रही है क्या? कोलेजियम का नहीं हो रही है परीक्षा? कांग्रेस ने जातिवाद को बना रखा है, इसलिए कोई पिछड़ा प्रधान। सुनिए, कांग्रेस कांग्रेस और ब्राह्मण ब्राह्मण मत कीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी दलित है, जो कि आप दलित दलित करते हो, मेरे लिए तो सभी बराबर है। आप ये बताइए, आप ये बताइए बेरोजगारी के मुद्दे नहीं उठाएंगे? बेरोजगारी के मुद्दे नहीं उठाएंगे? आप दलित ब्राह्मण में उलझे रहेंगे और मुझे भी उलझाएंगे, है ना? ब्राह्मण ब्राह्मण करते रहोगे, आप इन्हीं में उलझाओगे मुझे भी। मैं नहीं उलझने वाली ब्राह्मण दलित में, मैं जनता की आवाज उठाने वाली हूँ। जवाब ही नहीं दे, मैं तो सही बोल रही हूँ, मेरा जो मन है। आपको अधिकार है, दलित कार्ड खेल, एक तरफ तो आप, एक तरफ तो बाबा साहब जो है बेटी ब्याहते ब्राह्मण की, दूसरी तरफ शंभू जी विरोध करते ब्राह्मण का, कैसे देश चलेगा भैया?